तर यावेळेस आपण पाहिलं तर नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज बाद होतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने आगेकूच करताना आपण पाहू शकाल गिरीश यांना. तर यावेळेसचा बॉल आपण पाहतोय नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये निर्धाव मात्र येतोय गोलंदाजी मार्गवरती संदीप यांना आपण पाहतोय. संदीप ठुबे बॉलिंग मार्कवरती चांगली गोलंदाजी एक चौकार जरूर या षटकामध्ये पाहायला मिळाला, परंतु त्या व्यतिरिक्त चांगली कामगिरी आतापर्यंत राहिली आहे. टीमच्या धावसंख्येमध्ये मात्र थोडीशी भर पडतीये, जाऊन पोहोचते आपण पाहिलं तर 6 धावा धावफलकावर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाज मात्र होईल तयार. इथून टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी चेंडू प्राप्त करतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ दरम्यान झालाय समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर टीमची धावसंख्या आपण पाहिली तर 6 धावा धावफलकावरती. तर शशांक सर प्लीज आपण जर का असाल तर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. एक ओवर एक बॉल 6 रन. आर्य की अगली गेंद और बैट्समैन है गिरीश अब्दुल. स्ट्राइक पे यह बढ़िया सा शॉट, देखते फील्डिंग हो सकती है क्या. बढ़िया फील्डिंग ये और बिल्कुल सीमा रेखा के पहले इसे रोक दिया और जो 4 रन थे उसको कन्वर्ट 2 रन में कर दिया. फील्डर का नाम इरशान. अगली गेंद आर्य की. ये बॉल बिल्कुल बहुत ही आराम से बैट के नीचे आया था, बैट्समैन ने पहले ही मन बना लिया था कि मैं इसे बाहर भेजूंगा और सीमा रेखा के पार भेज दिया. स्ट्राइक पे अब्दुल है और इसके साथ स्कोर हुआ है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर. फिर एक बार आर्या सामने अब्दुल, देखना है कि वापसी करेंगे या नहीं करेंगे. अगली गेंद थोड़ी सी स्लो और हवा में उठा दी है, ये कैच हो सकता है क्या. 3 प्लेयर के बीच में ये गिर गया नो मैन्स लैंड में और इस चक्कर में 2 रन दे दिए. तो अब्दुल ने मन बना लिया है कि हाथ तो खोल के रखेंगे और लेकिन नो मैन्स लैंड में मारेंगे तो रन भी मिलेंगे और विकेट जाने का भी खतरा नहीं. आर्या ने ललचाया जरूर था. अगली गेंद फिर एक बार आर्या. आर्या की अगली गेंद स्लोअर बॉल था, शॉट मारना चाहते थे, ताकत से मारा था दूसरे रन की तैयारी में लेकिन नहीं. नॉन स्ट्राइकर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक ही रन पर संतुष्टि. और इसके साथ ही स्कोर हुआ है
14 रन। ये दूसरा ओवर चल रहा है। अरे फिर एक बार और बैट्समैन है गिरीश, और ये आड़ा बैट का शॉट था, शॉट मारा है लेकिन फील्डिंग भी उतनी मिसफील्ड हुई, लेकिन रन नहीं चुराया, एक ही रन पर संतुष्टि। और इसके साथ ही दो ओवर 16। दो ओवर की समाप्ति और यहां पर स्कोरबोर्ड पर 16 रन। शेष बचे हैं 3 ओवर। इस 3 ओवर में अब रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। कड़ी धूप है, पिच ड्राई है। और ऋशांत के रूप में तीसरा ओवर डालने के लिए ओरियन की तरफ से सामने है गिरीश। ऋशांत गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऋशांत की। अब ये ओवर है जहां से मारना चालू करना पड़ेगा। पटकी भी स्लोर, गेंद भरपूर फायदा उठाया और ये 4 रनों के लिए। ऋशांत को थोड़ा सा संभली हुई सोच समझ कर बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बैट्समैन ने हाथ खोल दिया। अगली गेंद ऋशांत की गिरीश को, देखना है वही ट्रीटमेंट देंगे गिरीश। हाथ तो खोल दिए थे लेकिन ये बाहरी बॉल, वाइड अंपायर का इशारा और एक रन का इजाफा। एक चौकार और ऋशांत जो है थोड़े से प्रेशर में। तीसरा ओवर है, हाथ तो खोलने पड़ेंगे, रिस्क तो लेनी पड़ेगी और वही जो काम गिरीश कर रहे हैं इस वक्त। ऋशांत फिर एक बार, अगली गेंद गिरीश को, फुल टॉस लोअर और फिर एक बार नतीजा जो है वो वाइड का। अपनी लय में नहीं है ऋशांत, जो पहला 4 गिरा उसके बाद में उनकी लय बिगड़ गई है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है जब लय बिगड़ जाती है तो। और इसका फायदा जो है वो क्राउन इंपीरियल जरूर लेगा क्योंकि आपको एक लूज बॉल या एक लूज ओवर ढूंढनी पड़ेगी और इससे मारना पड़ेगा, तभी आप एक टफ टारगेट रख सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 54 का भी टारगेट काफी टफ हुआ था, लेकिन अभी तक नेल बाइटिंग फिनिश वाली मैच जो है वो अभी तक आई नहीं है, आखिरी गेंद तक जो मैच जाती है। फिर एक बार ऋशांत तैयार, और ये बढ़िया सा शॉट, और ये रोक पाते कि नहीं क्योंकि 4, मुझे नहीं लगता, ये गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए।
संदीप की आखिरी गेंद, अब्दुल तैयार, ये बढ़िया शॉट, फिर एक बार देखते हैं, ये भी चार रन शायद जाएगा, और ये चार रन, फिर एक बढ़िया चौका। फिर एक बार मैदान की ओर, सतीश की पहली गेंद, आखिरी ओवर, आखिरी के छह गेंदे, ये शॉट बढ़िया था, ये पुल बढ़िया था, और नतीजा चार रनों के लिए। अगली गेंद, पटकी हुई स्लोअर बॉल थी, बैट्समैन जैसे तैसे करके संपर्क किया, एक ही रन, दूसरा रन नहीं लेंगे, रिस्क तो लेनी पड़ेगी क्योंकि अब आखिरी ओवर है, और जो स्कोर हुआ है वो 48। आखिरी की तीन गेंदे शेष है, और सतीश बड़ी धीमी इससे गेंद कर रहे, अब्दुल और मोहसिन को हाथ खोलने पड़ेंगे आखिरी तीन गेंदों में, और यह स्लोअर बॉल सीधा उठा दिया है, और यह 6 रन। जब भाई साथ हो तो डरने का।
स्कोर जो है ये स्कोर मॉर्निंग में भी हुआ था और वो डिफेंड हुआ है। अरे इधर ही बैठे क्या?
डिफेंड कर पाएगी क्राउन एम्पीरियल? क्या चेस कर पाएगी क्राउन एम्पीरियल? हनुमंत बड़े जाने माने बैट्समैन है और बॉलर है राहुल, पहली गेंद लेकर फ्लाइटेड बॉल, और जैसे हनुमंत को अगर ऐसे बॉल देंगे तो शायद ये बॉल मिलने पाएगा। ये जाने पहचाने पिछले 2017 से तहलका मचा रहे इस मैदान पर, और पहले गेंद पे 6 रन। म्यूजिक बांध के रखना ये मुश्किल है, और इस तरह से स्कोर करेंगे तो मालूम है ये 55 रन का लक्ष्य भी बहुत ही आसान हो जाएगा। 2017 में नीलकंठ मैजिस्टिक के खिलाफ काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की थी हनुमंत ने, मैं स्वयं कैप्टन था नीलकंठ का। बहत्तर रन मारे थे हनुमंत ने और मेरे पास कोई उनके लिए सोल्यूशन ही नहीं था। फिर एक बार राहुल तैयार, हनुमंत इस बार रिवर्स मारेंगे, और मारेंगे यानी मारेंगे नहीं, बच गए। राहुल की यह धीमी, लेकिन इस वक्त अंपायर से एक इशारा नो, और नियम के अनुसार देखेंगे तो एक साइड में 4 प्लेयर, ज्यादा प्लेयर हो गए, और यह नो बॉल। No ball call. Get ready for the free hit now. ये फ्री हिट नहीं है, फील्डर्स का जो जमावड़ा था वो एक ही जगह पर ज्यादा हुआ था। हनुमंत फिर एक बार तैयार, अंपायर फ्री हिट है या नहीं है? ये फ्री हिट है राहुल के लिए, अब बहुत मुश्किल, हनुमंत के लिए बहुत ही आसान, क्योंकि वो किसी और भी खेलते हैं। बस अभी स्कूप शॉट ही बचा है हनुमंत का, जो देखना बाकी है। राहुल फिर एक बार, फील्डिंग में जमावट, वहां पर हनुमंत तैयार, कड़ी धूप, और अब देखेंगे कि इस फील्डिंग में एक नारी शक्ति भी है, सलाम उस नारी शक्ति को। अगली गेंद राहुल की, स्लोअर बॉल, और अपील यहां पर, लेकिन अंपायर पर ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं। हनुमंत चौधर को लगातार अगर 3 चौके मारते तो 500 रुपया स्पॉन्सरर केडी। अगली गेंद फिर राहुल की, स्लोअर बॉल, उठा दिया, ये कैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए 4 रनों के लिए। लगातार 3 मैच कमेंट्री किए तो 500 रुपए ऐसे मिलने चाहिए, लेकिन उसके स्पॉन्सर ढूंढने पड़ेंगे। जोक सपाट, फिर एक बार मैदान की ओर चलते हैं। हनुमंत हाथ खोले हुए हैं, अगर 4 चौक 3 लगातार 4 मारते हनुमंत तो 500 रुपए आपकी ओर। राहुल फिर एक बार असमंजस में, किस तरह से बॉल डाले, फ्लाइटेड डिलीवरी, फुल टॉस, हनुमंत को अगर मारेंगे तो नीलकंठ का वो रुक ले लेगी। 6 रन।
शायद 55 रन हनुमंत को पहले ओवर में निकालने हैं, इस इरादे से आए हैं और वो काबिलियत भी रखते हैं उस तरह की। राहुल सोच समझ कर बॉलिंग करनी होगी। अगली गेंद फिर एक बार राहुल की, फ्लाइटेड फुल टॉस। इस बार कनेक्शन हनुमंत का बैट से और बॉल का हुआ नहीं, नहीं तो ये भी बहुत बड़ा शॉट होता था। अगर हनुमंत को बांधना है तो आपको बहुत ही सटीक रूप से बॉलिंग करनी पड़ेगी। अभी तक ओवर की समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है, एक बॉल बैलेंस है अभी भी राहुल जी और हनुमंत सामने है। 25 गेंदों में 38 रन। अगली गेंद थोड़ी सी हल्की सी पटकी हुई और हनुमंत ने वही किया जो वो चाहते थे, उन्होंने एक रन लिया और स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखी। और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 18 रन। और जिस गति से ये रन कर रहे तो मुझे नहीं लगता है कि 55 का ये स्कोर जो है ये काफी बड़ा लक्ष्य लगेगा। लेकिन अगर हनुमंत की विकेट निकलती है तो शायद चांसेस बनते हैं, इसलिए क्राउन इंपीरियल को कोशिश करनी पड़ेगी कि हनुमंत की विकेट ले। अगर हनुमंत हाथ खोल देंगे तो फिर उनको रोकना मुश्किल है। बॉलर का नाम क्या है? उजेर की पहली बॉल लोअर फुल टॉस, हनुमंत चूके एक रन या ओवर थ्रो। क्या हनुमंत रिस्क लेंगे एक रन की? नहीं, उन्होंने नहीं ली। और अब संदीप काफी देर तक नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, स्पेक्टेटर थे, अब इनको मौका है क्योंकि जब हनुमंत रहते हैं तो कोई किसी को वो अलाउ ही नहीं करते बैटिंग के लिए। पटकी हुई गेंद और यह बढ़िया सा हुक चार रनों के लिए। वो हुआ 23 रन दूसरी ओवर प्रोग्रेस में। फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर से हल्का सा पुश किया और ये गेंद बिल्कुल बहुत आराम से चलते हुए चार रनों के लिए। गैप ढूंढा था और बैट्समैन संदीप ने उजेर को बहुत ही आराम से गैप में एक टेक्निकल स्ट्रोक मारा चार रनों के लिए। उजेर फिर एक बार संदीप को, स्लोअर गेंद वहीं पर फिर एक बार मिसफील्ड, देखना है कि ये रोक पाते कि नहीं। इस बीच में एक रन, हनुमंत एक रन पर ही संतुष्टि लेंगे क्योंकि बाद में वो इस मैच का चार्ज ले लेंगे। उजेर के सामने फिर एक बार हनुमंत, अगली गेंद उजेर की, हनुमंत रिवर्स और ये जब रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करते तो 99% ये सक्सेसफुल होते हैं। इनका ये सक्सेस रेट है हनुमंत का चार रनों के लिए। किस तरह से गेंद इनको डाली जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक फिर एक बार रिवर्स स्वीप कि ये, और ये फिर एक बार वही शॉट, 99% सक्सेस चार रनों के लिए। ये रिवर्स स्वीप ने मार डाला। पानी के लिए अंपायर ने, यहां पर कृपया मंच से पानी लेके जाए। कड़ी धूप, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान, RRW स्पोर्ट्स में 2024। और हम धन्यवाद देते हैं अपोलो हॉस्पिटल, फास्ट एंड टाइम लॉजिस्टिक्स, सिमरा डायग्नोस्टिक, माहेश्वरी समाज, फैशन जंगल, द रेस्टोरेंट, हृदयम, जबास सिक्योरिटी, संदीप लाइफ एंड लेगेसी, बेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, डेली नीड्स, एके लॉज, मिडास होम्स, परफेक्ट स्प्रिंग बिल्डर बिल्डिंग, कारू बिल्डर, ऑरेंज मेडिकल, साई ऑटोमोबाइल्स, ब्राइट
रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्वेंट कंसल्टेंसी, जयराम डोके, वैशाली वाइन्स, प्योर आत्मन, कीर्ति वाइन्स, ब्राइट कैमरा, केपीएस प्री स्कूल, यू फिट, क्रॉसफिट जिम, रचना एंटी एंड मेट्रोग्लास। यू फिट क्रॉसफिट 30% ऑफ ऑल पैकेजेस, फ्री डाइट प्लान ऑफर फॉर लिमिटेड। पानी की वजह से ये गेम बीच में रुका था। स्कोर है 36 और तीसरी ओवर लेके विनय आए हैं और विनय के सामने खेलने के लिए संदीप। विनय अगली गेंद संदीप को स्लोअर बॉल उतनी ताकत से मारा लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन संतुष्टि करना पड़ेगा। हनुमान ज्यादा भागेंगे नहीं, वो अपने पास स्ट्राइक रखेंगे और जितने जल्दी हो सके मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति भी इस कड़ी धूप में खड़ी है और फील्डिंग कर रही है। हनुमंत इरादे बहुत ही स्कूप वाले और फिर एक बार 99% चार रनों के लिए। भी किसी का भी मिस होता है तो हमने वो 1% उसको दे दिया, 99% ही है, सक्सेस ही होता है इनका, चाहे स्कूप हो और चाहे रिवर्स स्वीप हो। ये 360 डिग्री वाले प्लेयर है, बॉलर को आप फिर एक बार 360 वाला स्टांस, स्लोअर बॉल और नतीजा फिर एक बार 99% चार रनों के लिए। मुश्किल है क्योंकि वो खड़े जब रहते तो समझ में नहीं आते कि बॉल किधर डाले। फिर एक बार रिवर्स स्वीप और फिर एक बार 99% चार रनों के लिए। फिर एक बार विनय हनुमंत को और ये फिर रिवर्स स्वीप मारने के लिए टर्न हो गए हैं। किस तरह से बॉलिंग, ओ ये बॉल जो था अपील थी LBW की लेकिन अंपायर प्रभावित नहीं हुए, विनय की ये सोची समझी बॉल थी। ओके अगली गेंद विनय की हनुमंत को और ये स्लोअर, ये फिर से एक बार नीलकंठ की ओर 6 रन और इसके साथ ही ओरियन ने ये मैच जीत लिया। हनुमंत फिर एक बार अपने प्रहारों से अपने टीम को ओरियन को जिताकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए।
0.6 वर सिल्वर क्लासिक है. ओके तुमची उद्या येणार मॅम. ओके अंपायर्स के नाम क्या है? अंपायरचे नाव काय आहे? मुकेश दादा टीमला थोडं स्टँड बाय ठेवा कारण अजून 3-4 मॅचेस बाकी आहे ना. कुणाचा लो स्कोर मध्ये गेली बहुत ही बढ़िया हनुमंत की बैटिंग. और मुझे याद दिला 2017 का वो 72 रन वाला हनुमंत का नॉक. टोटल 44 रन्स हनुमंत ने नॉट आउट निकाले हैं और मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच है हनुमंत चौधर.